अपनी माँ के साथ मामा के घर जा रही 7 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। वहीं घटना के समय ठोकर मारकर टैंकर चालक फरार भी हो गया। दुर्ग शहर में इन दिनों तीज पर्व को लेकर खासी खुशी नजर आ रही थी। वहीं दुर्ग के शहर के आजाद चौक बोरसी निवासी के घर मातम छा गया। आपको बता दें, दुर्ग बोरसी निवासी 7 वर्षीय बच्ची दुर्गेश्वरी साहू पिता लक्ष्मण साहू अपने मामा के घर केवल साहू की मोटरसाइकिल पर सवार होकर कोरियापुरी जा रही थी। इसी बीच रास्ते में एक टैंकर चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बच्चों के मामा केवल साहू की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बच्ची दुर्गेश्वरी साहू के मामा माँ एवं भाई दूर जा गिरे, जिससे टैंकर की चपेट में आने से गंभीर चोटें आई। मौके पर पहुंची पद्मनापुर पुलिस ने बच्ची को तुरंत अस्पताल भिजवाया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने प्रतिक्रिया दी। आज तकरीबन शाम के 5 बजे पुलगांव चौक पोटिया मार्ग में एक सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन की वाटर टैंक ट्रक आ रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार केशव केवल कुमार साहू अपनी बहन को, जो बोरसी आजाद चौक में रहती थी अपने परिवार के साथ में, उसे तीजा लेने के लिए अपनी बहन को लेने आया था, जो अपनी बहन को और अपने दोनों भांजे और भांजी को लेके राजनांदगांव जा रहा था। इस दौरान पुलगांव की तरफ से आती हुई वाटर टैंक ट्रक से भिड़ंत होने से मोटरसाइकिल में सवार दुर्गेश्वरी साहू, उसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है, जिसकी मौत हो गई है। बाकी केवल कुमार साहू और उसकी बहन और भांजा घायल हैं, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। वाटर टैंक जो ट्रक थी उसे थाने में ला लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।